सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
1844 ईस्वी को आज छठी तारीख है, जिसमें यह महाराज सिरात मुस्तकीम के उन्वान से सातवीं गुफ्तगू है और इसके सिलसिले में चंद मफरूजात को आप हजरात के अज़हान आलिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने हिदायत का यह सिलसिला कायम फरमाया है, हिदायत नौ बशरियत के लिए वो अव्वल रोज़ से है। खुदावंद आलम ने हिदायत पाने वालों को बाद में भेजा है, हिदायत का सिलसिला पहले से शुरू किया है। उस वक्त जब वह ज़मीन पर कोई नहीं था, लेकिन हिदायत करने वाला आदि खुदावंद आलम ने जनाब आदम की शक्ल पर हमें रूह ज़मीन कर दिया, ताकि किसी को ये ना शिकायत रहे कि जब हम थे तो हमारी कोई हिदायत के लिए नहीं था। खुदा ने किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में इस ज़मीन को हादी से खाली नहीं रखा है, और जिस दिन ये ज़मीन हादी से खाली हो जाए, हिदायत देने वाले से खाली हो जाएगी, तो यकीन जानिए कि वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा और क़यामत का दिन होगा। और अगर ये दुनिया अभी ख़त्म नहीं हो रही है, क़यामत नहीं आ रही है, और जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर यकीन रखते हैं, कुरान की आयतों पर ईमान रखते हैं, और उनका ये मानना है कि खुदा का ये कौल सच है और बेहतर है, और ये वाकई इस पर ईमान रखना ईमान की दलील है, मुसलमान होने की दलील है, तौहीद परस्ती की दलील है, तो उन्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर ये दुनिया अभी कायम है, चल रही है, लोग जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, अभी क़यामत नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि इस ज़माने में भी कोई ना कोई एक हादी मौजूद है, और जो जिसकी वजह से ये ज़मीन कायम भी है, बची हुई भी है, लोग सांसें भी ले रहे हैं, ज़िंदगी का सुकून भी है। वरना अगर कोई हादी ना होता तो ये दुनिया तबाह हो गई होती, ख़त्म हो गई होती, क़यामत आ गई होती। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि रसूल के बाद जो सिलसिला हिदायत चला था, मौलाए कायनात के बाद ख़त्म हो गया, इमाम हुसैन के बाद ख़त्म हो गया, छठे इमाम के बाद ख़त्म हो गया, अब इस ज़माने में कोई हादी नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, बस उनके लिए यही दलील काफ़ी है कि अगर रहनुमा से और हादी से ज़मीन खाली होती तो ये ज़मीन कब का ख़त्म हो गई होती। इस ज़मीन का बाकी रहना बताता है कि इमाम इस वक्त मौजूद है, आप मौजूद है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हिदायत के सिलसिले को कभी खत्म नहीं किया है, हिदायत के सिलसिले को पहले से जारी रखा है। 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा है खुदा ने इस कौम की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। कोई जमीन का खिता ने ऐसा नहीं है कि जो ये शिकायत कर दे कि हमारे यहां कोई हादी और रहबर नहीं पहुंचा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदावंद आलम का हादी ना पहुंचा हो, रहबर ना पहुंचा हो। हर जगह खुदावंद आलम ने हिदायत के लिए किसी ना किसी रहबर का इंतखाब किया है, हादी का इंतखाब किया है। 1,24,000 अंबिया का सिलसिला तो है ही, उनके अलावा न जाने कितने औसियाए किराम जिन्होंने इस हिदायत के सिलसिले को जारी रखा है। और कुरान मजीद में उनका भी तस्करा मिलता है कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर पैगंबर इस्लाम तक एक तवील जमाना है, फतरत का दौर है कि जिसमें कोई जाहिर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन औलिया इलाही का सिलसिला उस जमाने में भी खत्म नहीं हुआ। परवरदिगार आलम ने उस जमाने में भी किसी को तनहा नहीं छोड़ा, लोगों की हिदायत का सिलसिला जारी रखा, लोगों की हिदायत होती रही, लोग ईमान से वाबस्ता रहे, लोग हिदायत हासिल करते रहे। ये एक प्रैक्टिकल थी ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि हैबत का भी एक जमाना होता है, लोग इसको समझ लें ताकि लोगों की नजर में रहे कि हाँ कोई ऐसा भी हादी होता है कि जो गैब के पर्दे से रहकर भी हिदायत के सिलसिले को जारी और सारी रख सकता है, ताकि बाकी आने वाली नस्लें अगर फिर कोई ऐसा दौर आए तो लोग ये शिकायत ना करें, लोग ये बातें ना बनाएं कि ये किस तरह की हिदायत है। वही जमाना जो जनाबे ईसा के बाद शुरू हुआ था, आज भी वही दौर चल रहा है, ताकि लोग हिदायत के सिलसिले को समझ सके कि हादी है, पर्दे गैब में रहकर उसकी हिदायत का सिलसिला जारी है और लोग उससे हिदायत हासिल कर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। लिहाजा ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ,
ना उस जमाने में खत्म हुआ था ना इस जमाने में खत्म है, ना किसी जमाने में खत्म हो सकता है। हाँ उस वक्त खत्म होगा जब कयामत आ जाएगी, जब कयामत आ जाएगी तो उस जमाने उस वक्त ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई हाथी नहीं, उसके बाद कोई रहनुमाई नहीं, उसके बाद कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, उसके बाद कोई रहबरी करने वाला नहीं है। कयामत के दिन सिर्फ हिसाब किताब होगा और वहां पर इंसान के आमाल को देखा जाएगा और परखा जाएगा। ना मैं आमाल लोगों के हाथ में दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले तो हिदायत की जरूरत है ना, उससे पहले तो रूए जमीन में किसी हाथी का होना जरूरी है ना। और खुदावंद आलम हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। हर कौम को, हर कबीले को, हर शख्स को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ मिलाएंगे। एक सवाल पैदा होता है ना कि जब ये आयत मुबारक हर जमाने के लिए, कुरान मौजूदा है कि नहीं, सिर्फ रसूल इस्लाम के जमाने के लिए मखसूस था कुरान या सहाबे किराम के जमाने तक मखसूस था? ऐसा तो नहीं कि एक जमाने के लिए मखसूस था कुरान। नहीं, कुरान हिदायत है, कुरान मौजूदा है कयामत तक के लिए। अब अगर कुरान को कयामत तक के लिए मुजजा तसव्वुर कर रहे हैं, मान रहे हैं, ईमान है इस पर आपका, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि यौमा नदुकुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हर शख्स को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। चलो हमने मान लिया पैगंबर के जमाने में इतने इमाम पैगंबर के साथ चले जाएंगे, पहले जमाना था उनके साथ लोग चले जाएंगे, दूसरा जमाना चलो मान लिया तुम उनके साथ चले जाओगे, तीसरे साथ, लेकिन जो जमाना गुजरता गया, आज का दौर है जो आ रहा है, जो जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जमाने के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी तवज्जो चाहता हूं, इस जमाने के बारे में क्या ख्याल है? अब तो जाहिरन कोई इमाम नहीं है ना, अब तो जाहिरन कोई पेशवा नहीं है ना, क्या मस्जिदों के इमामों के साथ कयामत में जाना होगा? बड़ी तवज्जो चाहता हूं, खुदावंद आलम उस इमाम की बात नहीं कर रहा, वो इमाम जो तुम्हारी हिदायत करे, वो इमाम जो इमाम मुबीन है, सूरह यासीन में देखे जिसे इमाम मुबीन कहा गया है, जो मुबय्यन तौर पर, रोशन तौर पर इमाम है, जो जिसकी हिदायत सबके लिए है, जिसकी हिदायत महदूद नहीं है, मखसूस नहीं है, उस इमाम के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। कहाँ है वो इमाम, कहाँ है वो इमाम, किस इमाम की पैरवी करते हो, किसके साथ जाने का इरादा है? अब अगर ये इरादा तुम्हारा मुसम्मम है, ये आए मुबारक अगर तुम पर इस पर यकीन रखते हो और इस पर भरोसा रखते हो और ईमान है मुसलमानों का, तो मानना पड़ेगा कि जैसे उस जमाने में खुदा ने इमाम और हादी और रहबर से जमाने को खाली नहीं रखा था, ये जमाने को भी खुदावंद आलम ने इमाम और हादी से खाली नहीं रखा है। तो अब ढूंढना पड़ेगा कि इस जमाने में इमाम है तो कौन इमाम है? बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अब उन हदीसों को देखना पड़ेगा जिससे पैगंबर इस्लाम ने पेशगोई की है, जिसके बारे में रसूल ने बयान फरमाया है कि हमारे बाद कौन खलीफा होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ये तो इंसान का एक अगर आप देखें ज़हनी तौर पर देखें, एक लॉजिकली बात है कि कोई भी चीज़ का अगर इंसान प्लान बनाता है, कोई फ्यूचर में कोई प्लानिंग करता है इंसान, तो उसके सिलसिले में खुद इंसान उसके बारे में बताता है, देखो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर फौजें मैदान में जाती हैं तो एक कमांडर नहीं होता है, कई कमांडर होते हैं। एक अगर वो शहीद हो जाए, एक अगर मार दिया जाए, तो ये उसको जो हिदायत दी जाती है कि ये आलम गिरने ना पाए, दूसरे कमांडर के हाथों में चला जाए। ये वहां कोई बताने नहीं जाता है कि अब कौन इंतखाब नहीं होता है वहां पर, कि अब दूसरे का कौन इंतखाब करे, जब तक जंग उस पर हावी हो जाएगी। इंतखाब पहले से होता है कि पहला कमांडर अगर वो मर जा रहा है, उसे मार दिया जा रहा है, तो ये आलम को दूसरा कमांडर संभालेगा, वो अगर मार दिया जा रहा है तो उस आलम को तीसरा कमांडर संभालेगा। लोगों को पता होता है कि पहले के बाद दूसरा कौन है, दूसरे के बाद तीसरा कौन है, तीसरे के बाद चौथा कौन है। ये नंबर को भी याद रखते हैं, वो नाम को भी याद रखते हैं। ये दुनियावी दस्तूर है, ये हमारी अकले है कि जो ये फैसला करती है कि एक के बाद दूसरे का इंतखाब हो जाना चाहिए, पहले से मुअय्यन होना चाहिए। तो जो रसूल अकले कामिल लेकर आया हो, क्या दुनिया को बगैर हादी और रहबर के छोड़ देगा? नहीं नहीं, बगैर हादी और रहबर के नहीं छोड़ा है। उसने अपनी जिंदगी में ही मुतअद्दिद मर्तबा इरशाद फरमाया है कि देखो मेरे बाद जानशीनी का अगर किसी को हक है तो वो अली इब्न अबी तालिब है, उनके बाद हसन है, हुसैन है, फिर उनकी आले पाक है, और जो हमारा आखिरी होगा वो कायम आले मोहम्मद होगा, सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा
अच्छा मजे की बात यह कि इन हदीसों को सिर्फ शिमो ने भी तय नहीं किया। सबसे मजे की बात तो यह कि इन हदीसों को अहले सुन्नत ने बाकायदा तौर पर अपनी किताबों में लिखा है, अपनी मोतबर किताबों में लिखा है कि रसूल ने फरमाया कि हाँ मेरे बाद मेरे जानशीन, मेरे वसी, मेरे खलीफा ये 12 इमाम हैं और सबके नाम हैं, बाकायदा नाम बनाम लिखा है कि पहले का नाम ये होगा। कि रसूल के जमाने में 11वें इमाम की विलादत नहीं है, 6ठे इमाम का दौर नहीं है, 3रे इमाम का जाहिरन दौर नहीं है, 4ठे इमाम का जाहिरन दौर नहीं, लेकिन रसूल ने अपनी जिंदगी में ही इस चीज को कन्फर्म कर दिया कि देखो पहला कौन होगा उसका नाम क्या है, दूसरा कौन होगा उसका नाम क्या है, तीसरा, यहां तक के 12वें तक का नाम बताया है। और जब भी 12वें का नाम आया है, कुर्बान जाए हमारी जाने, तो रसूल इस नाम ने फरमाया यही वो हमारा आखिरी जानशीन होगा कि तो दुनिया में अदल और इंसाफ को कायम करेगा, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का बोलबाला होगा, वो अदालत के परचम को लहराएगा। और रसूल ने यह कहकर यह मोहर लगा दी कि इस 12वें के बाद कोई 13वां इमाम नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन हदीसों को सब लिखते हैं लेकिन अमल की मंजिल जब आती है तो उसको मानने से लोग इनकार करते हैं। हकीकत से क्यों चश्मी पोशी की जा रही है? आखिर क्यों हकीकत लोगों को नहीं बताई जा रही है? बहुत दूर तक बातें पहुंचती हैं। जरा कभी गौर तो करके देखिए इंसान के रसूल इस्लाम ने हमें जूं ही नहीं छोड़ा है। कोई भी कौम कबीला, कोई भी कबीला यहाँ तक कि अपनी कौम वालों को तनहा नहीं छोड़ता है जब तक वो अपने रहबर का, उसके रहबर का इंतखाब न कर ले। रसूल इस्लाम जबकि रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलमीन की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके कांधों पर तमाम लोगों की कयामत तक आने वाले इंसानों की एक एक वर्ग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो क्या नबी इस्लाम नबी करीम इसी तरह से अपनी उम्मत को लड़ता झगड़ता हुआ छोड़कर जा सकते? नहीं, यहाँ रसूल की कमी नहीं है माज़ल्लाह, कमी उन लोगों की है जिनके सामने रसूल ने मुतअद्दिद मर्तबा बताया, दिखाया, पहचानवाया, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उम्मत ने फरामोश कर दिया। नहीं तो वजह क्या है? गदीर खून का खुतबा पढ़े और गदीर खून का खुतबा, गदीर खून वाकई होने के बाद 3 दिन तक रसूल इस्लाम ने वहां पर रोका और 3 दिन रोकने का शायद फलसफा भी यही रहा हो कि पहले जो काफले वगैरह चला करते थे उसके दिन मुअय्यन हुआ करते थे, मसलन 1 महीने का सफर है तो 1-2 दिन दाखिल से काफला पहुंच जाएगा। सबको मालूम होता था कि फला तारीख तक मदीने में हमारे घर वाले लोग आ जाएंगे, लेकिन रसूल इस्लाम ने 3 दिन तक वहां पर रोक कर इस फलसफे को बताया लोगों को। जब 3 दिन ताखिर होगी तो नागहानी तौर पर हर कोई शख्स ये सवाल करेगा, भैया ये तो 3 दिन पहले काफला आने वाला था, ये फ्लाइट तो आपकी फला तारीख को लैंड करने वाली थी, ये सवारी तो आपकी फला तारीख में आने वाली थी, या मसलन ये ट्रेन आपकी फला वक्त आने वाली थी, ये 5 दिन ताखिर कैसे, 3 दिन ताखिर कैसे, 2 दिन ताखिर कैसे हो गई? ये लॉजिकली बात है ना, ज़हनी तौर पर है ना कि जब ताखिर होगी तो हर कोई सवाल करेगा। मैंने तो तारीख को यहां तक देखा कि जब 1 दिन हो गया तो लोगों की बेचैनियां बढ़ना शुरू हुई, जब 2रा दिन आया है तो औरतें और बच्चे और मर्द घरों से बाहर निकल गए, 3रे दिन कोई शहर में नहीं था, हर कोई बॉर्डर पर खड़ा हुआ था मदीने के, दूर से लोग देख रहे थे, इतना लोग बेचैन हो गए थे कि आखिर इतनी ताखिर क्यों हो गई। जब काफले को आता हुआ देखा हर कोई दौड़ता हुआ अपने घर वालों के करीब पहुंचा, भैया क्या हो गया था, क्यों ताखिर हो गई, क्यों देर हो गई, आखिर आने में क्या सबब हुई कि तुम इतनी देर से आ रहे हो। हर एक के जबान में था क्या करें, रसूल ने खदीर में रोक लिया था, वहां अली की विलायत का ऐलान हो रहा था, अली की विसायत का ऐलान हो रहा था, अली की इमामत का ऐलान हो रहा था, अली की रहबरियत का ऐलान हो रहा था। गोया के रसूल इस्लाम ने 1 लाख के मजमे के जरिए से न जाने कितने लाख अफराद तक खदीर का पैगाम पहुंचा दिया, और ये हमारी जिम्मेदारी है, सुने एक लेकिन हजारों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारी वाकई अकले दंग रह जाती है, रसूल इस्लाम ने इतना इहतमाम किया, इतना इहतमाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने, और यही वजह है कि गदीर का वाकया खत्म होने के बाद
जनाबे फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैह, अच्छा जो ऊपर आप पर सितम हुआ सलवात पढ़ने आपकी अस्मा इंशाल्लाह किसी दिन इस पर तफसील से गुफ्तगु करने की जरूरत है कि जनाबे फातिमा जहरा पर जुल्म जो इतना हुआ क्यों हुआ, आखिर उसका मेन बेसिक वजह क्या थी। जो वजह थी मुअर्रिखीन बयान करते हैं असल वजह यही थी कि जनाबे फातिमा जहरा रात के अंधेरे में उठ कर एक एक दरवाजे को खटखटा कर पूछती थी, क्या तुम नदीर का पैगाम भूल गए, क्या तुम्हें पैगाम याद नहीं है, तारीख में है, रवायतें हैं। एक एक से पूछती थी क्या तुमने भुला दिया नदीर को। कुछ लोग कहते थे हाँ हमें याद नहीं रह गया, अरे सुना था भूल गए कुछ हो गया। कसम खुदा की साहिब कदीर अल-कदीर लिखते हैं उनमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने जो साफ इनकार किया था कि नहीं हमने कुछ नहीं सुना। जनाबे फातिमा जहरा ने उनके लिए बद्दुआ की है वहाँ पर, और उस दुआ का असर ये हुआ है कि उसी जमाने में या तो वो मबरूस हो गए हैं या तो उनका चेहरा इतना सियाह हो गया है कि फिर अवाम में वो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वो अपना चेहरा छुपा कर बाहर निकलते थे तो लोग पूछते थे कि आखिर क्या हो गया है, तुम्हारे चेहरों पे झुर्रिया क्यों है, ये वर्ष का वर्ष क्यों हो गया है, ये बीमारी क्यों लाहक है, ये चेहरा सियाह और काला क्यों हो गया है। तो नागहानी तौर पर जिसने कभी इकरार नहीं किया था वो कहता हुआ नजर आता था हमने कदीर का इनकार किया था उसकी सजा खुदा ने हमें। नारा हैदरी। आपने गदीर और विलायत का इनकार करने वालों को ना खुदावंदी आलम ने पहले दिन बख्शा था, याद है पहले दिन कि किस तरह खुदावंदी आलम ने आसमान से आजाब नाजिल किया और वो वहीं पर गदीर से तमाम हो गया, वासले जहन्नम हो गया। ना उसके बाद कभी उसको कभी बर्दाश्त किया खुदा ने, ना उसको बख्शा। क्यों? क्योंकि ये पैगाम ऐसा है कि जिसके लिए तो रसूल खुदा को इजाजत नहीं इसमें ताखीर करे। रसूल से खुदा ने आलम फरमा रहा है रसूल बल्ले बल्ले माम जिला मिलाई का मुरवाफी है, रसूल पहुंचा दिए उस पैगाम को जो अपने आप को बताया है पहले से पहुंचा चुके हैं, और अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया मैं मुंतफल हमा बल्लब दरसा, और अगर इस पैगाम को नहीं पहुंचाया आपने तो गोया कार्य रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। रसूल से जब इतनी सख्ती से खुदा ने आलम हम कलाम हो रहा है और इस तरह से गुफ्तगु कर रहा है खुदा ने आलम कि ये पैगाम को पहुंचाना कितना अहम है तो हर एक के लिए कितना जरूरी और लाजिम होगा। और खुदा ने आलम ने इस पैगाम के लिए खास तौर से पैगाम विलायत को पैगाम इमामत को पहुंचाने के लिए जो खास तौर से एहतमाम किया खुदा ने आलम ने फरमाया इसी आयत में बाद में कि रसूल इस पैगाम को पहुंचाने में खौफ खाने की जरूरत नहीं है, खुदावंदे आलम लोगों के शर से तुम्हें महफूज रखेगा। लिहाजा विलायत का पैगाम किसी भी जमाने में आप पहुंचाएं, इमामत के बारे में किसी भी जमाने में आप बताएं, आपको डरने और खौफ खाने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तौर पर हमारी जिम्मेदारी है इस पैगाम को पहुंचाएं, अपनी नस्लों तक कम से कम पहुंचाएं, बच्चों को बताएं कि विलायत और इमामत क्या होती है, कम से कम कुरान का इल्म दें उन्हें ताकि उनके पास तालीम कुरान हो, दीनियात का इल्म हो और वो इन चीजों को समझ सके, अहकाम को समझे, फलसफे को समझ सके। जब इन तमाम चीजों को समझेंगे तो विलायत को और इमामत को समझना बहुत आसान होगा, और अगर हमने दीन से दूर कर दिया तो हम विलायत को समझा नहीं सकते। और हर जमाने में चाहे किसी ने माना हो चाहे ना माना हो, जब भी कोई काम फंसा है तो दर विलायत पे ही लोगों को आना पड़ा है। किसी भी सूरत में जब भी बड़ी मुसीबत पड़ी है तो लोगों को इसी दर पर आना पड़ा है, ला मुहाला आना पड़ा है, ना चाहते हुए आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम पैरवी नहीं कर रहे हैं इनकी या मौलाए कायनात की, ये तो अपनी जाहो हशम की वजह से है ना, अपने दिल की आरज़ू को पूरा करने के लिए हम खुद कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं इसलिए। लेकिन ये तो पता है ना कि इन बलाओं से इन आफतों से बचाने वाला अगर है तो ये कुर्सी नहीं बल्कि इस पर बैठने वाला सही अकदार वो बचाएगा ना। सबको पता है मदीने में अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, सबको पता है मदीने में अली से बड़ा शुजा कोई नहीं, कोई जाहिद नहीं, कोई आबिद नहीं, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। अच्छा मजे की बात है ये तमाम अहले इल्म हजरात लिखते हैं
भले से खलीफा किसी और को माने, लेकिन हर एक ने इस बात को तस्लीम किया कि किसी भी जमाने में जब तक मौलाए कायनात जिंदा थे, उनके मुकाबले में कोई ना इल्म में था, ना शुजात में था, ना इबादत में था, ना ज़ोहद और तक्वे में था। हर एक इस चीज का इकरार करता है, क्योंकि रसूल इस्लाम की खुली तौर पर हदीस है, अना मदीनतुल इल्म वालीहुम बाबुहा, शहर इल्म अगर नबी है तो उसका दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए उस दरवाजे से दाखिल होना पड़ेगा जो कि इल्म का दर है। अली दर इल्म नबी अकरम, हर एक को इस बात का तस्लीम, हर एक मानता है। बताते हैं कि जो खिलाफत दुवम में बहुत शदीद जलजला आया मदीने में, बहुत ही शदीद जलजला, इतना शदीद जलजला था कि लोग परेशान हो गए। नहीं पता आप लोग तो खुदा हर एक को जो जलजले से या अर्सी और सनावी जो आफतें होती बलाएं उससे महफूज रखे। जलजला बड़ा शदीद था, जलजला के बाद जलजले के बारे में आपको इल्म है कि नहीं है नहीं पता। जलजला जब आता है, हम लोग तो बारह ईरान में माशाल्लाह जो कई मरतबा जलजला आता रहता था, उसकी एक आदत सी भी हो गई थी ईरान वगैरह में, ज़्यादा आते हैं जलजले जो, या मसलन काबुल वगैरह में, अफगानिस्तान साइड में, इस तरफ जो जलजले ज़्यादा आते हैं, सिस्तान बलोचिस्तान की साइड। जलजले की जो कंडीशन होती है, जलजला जब पहला झटका आता है, तो जब पहला झटका आके जाता है तो उसके कुछ सेकेंड के बाद दूसरा झटका जरूर आता है। ये जलजले की जो है खसूसियात में से, जब वो पहला झटका आता है तो उसमें तबाहियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा जो नुकसान नहीं होते। जो दूसरा जो झटका आता है वो बड़ा ख़तरनाक झटका होता है, उसी में सारी ज़मीनें जो है तहस नहस हो जाती हैं, बिल्डिंगें जो गिर जाती हैं और तबाहियाँ मच जाती हैं, क्योंकि वो फिर जो मसल एक तरफ से इस तरह से पलटना फिर ऐसे पलटना, अलट पलट होना ज़मीन का मतलब ये कि जो जो चीज़ पहले साबित थी रुकी थी इस तरफ, अब जब इस तरह से होगी तो जाहिर सी बात है उसको गिरना ही गिरना है, ज़मीन का फटना ही, घरों का गिरना ही, दीवारों का टूटना ही, ये लॉजिकली बात है, जाहिर सी बात है। जलजले में रेंज भी होता है, मसलन जो है कभी जो कम पावर का है, कम रेंज का है, कभी ज़्यादा रेंज का है, कभी उससे ज़्यादा हाई पावर हाई रेंज का है। तो जितना कम ज़्यादा रेंज होता है उतना जो शदीद जलजला होता है उसमें नुकसान और ज़्यादा होते हैं। इंसान बचाव का जो वक्त होता है जलजले में, जैसे ही पहला झटका होता है उसी वक्त इंसान अपने आप को आमादा करके फौरन किसी मैदान में चला जाए तो वो बच सकता है। अब अगर जो उसको जो दुनिया की मोहब्बत ना हो, सामान की मोहब्बत ना हो, घर की मोहब्बत ना हो, गहने और जेवर की मोहब्बत ना हो, तो वो जो फौरन बच जाता है। लेकिन जो इन तमाम चीज़ों को लेने में लग जाता है, कबाड़ खोल के पैसे निकालने लगता है, जेवरात निकालने लगता है, तब तक दूसरा झटका आता है, वो उसी में तहस नहस होकर बर्बाद हो जाता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, जलजला कभी इसको रिसर्च करिए कि जलजला आता कैसे, ये जलजले की खसूसियात में से ये बताया मैंने इसलिए ताकि इस हदीस को सुनने में और समझने में हमारी आसानी हो। जब मदीने में शदीद जलजला आया, अब लोग परेशान हो। अच्छा, जलजले के कई झटके भी आते हैं, उसने पहला झटका आया बहुत कम रहा, दूसरा झटका आया उससे तेज हो, तीसरा झटका और हो सकता शदीद हो जाए, एक साथ कई कई जलजले भी आते हैं। ईरान में जब के यानी जब हम लोग वहाँ पर रहा करते थे तो हम लोग अंडरग्राउंड नीचे बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हम लोग दोपहर के बाद खाना वगैरह खाकर सोते थे, क्लासें वगैरह खत्म हो जाती थी, नमाज और खाने के बाद जाके एक घंटा दो घंटा आराम करते थे। ऊपर जो चार माले की बिल्डिंग थी, बहुत से तालिबे जो चाइना के और यहाँ के वहाँ के लोग ऊपर रहा करते थे। एक मतलब इसी तरह से जब जलजला आने लगा तो 15 दिन तक लगातार जलजला आया, हम लोग सब लोग जो बिल्डिंगों को छोड़कर जाकर पार्क में रहा करते थे। ये ऑर्डर था खुद मदरसे की तरफ से, खुद यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कोई जो है बिल्डिंग के जो रेंज में नहीं पहुंचेगा, हो सकता कभी बिल्डिंग गिर जाए, कभी नुकसान हो जाए। तो ये कंडीशन हुआ करती, जब मदीने में जलजला आया बहुत शदीद, तो लोग परेशान हुए कि अब क्या करें। लोगों ने मशवरा दिया कि देखो ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं होता। कहा क्यों? कहा कि इस बला से, इस मुसीबत से कोई निकाल नहीं सकता है। कहा फिर? कहा कि चलो वही भी जो सब हमेशा मुश्किलों में सबकी मुश्किल कुशाई करता है और लोगों की मदद करता है। कहा किसके पास? कहा कि अच्छा उसका नाम भी नहीं पता, और कौन हो सकता है? पूरे मजमे ने एक साथ होकर कहा, क्योंकि जलजला पहला झटका आ चुका था, लोग घर से बाहर निकल चुके थे मैदान में अपने बचाव के लिए। जब पहला जैसे कहा तुम्हें नाम नहीं पता, पूरे मजमे ने एक साथ मिलकर कहा, वो जाते मुबारक सिवाय अली जिब्न अबी तालिब के कोई और नहीं। लोग अली के दरवाजे पर आए, सुनिए अली के दरवाजे पर, दरवाजा तो कुल बाप के खड़े, अली अली क्या हो? मौला कायनात पूछा क्या परेशान, क्या तुम्हारे चेहरे पे जो कयामत के आसार नजर आ रहे हैं, आखिर क्या मसला है? कोई मसला दरपेश आया?
ताकि मौला आप देख ही रहे कि जलजिला आ रहा है, जलजिले का झटका आया है। हम लोग चाहते हैं कि आप दुआ करें ताकि हमको इससे निजात हासिल हो। क्यों, आखिर वजह क्या? वजह यह कि रसूल इस्लाम से हम लोगों ने सुना कि आप अबू तुराब, अल्लाह तो राब को अगर सुकून मिलेगा तो अबू तुराब से मिल सकता है। जो मिट्टी का बाप हो वही उसको सुकून अदा कर सकता है, कोई और सुकून नहीं दे सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इस वाक्य को साहिब निजाम बाकी और तफासीर ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज से लिखा है। इस पूरी रवायत को बयान करते ही मौलाए कायनात से जब जो लोगों ने बयान किया कि आप अबू तुराब हैं, आप ही को चल के इससे निजात देना होगा, तो मौलाए कायनात ने कहा अच्छा ऐसा है कि फला मैदान में चलो मैं आ रहा हूँ। मौलाए कायनात यहाँ घर से अपने निकलते हैं और पूरा मजमा जो इंतजार में था, मौलाए कायनात जैसे ही आगे निकले पूरा मजमा मदीना, पूरा मदीना आगे के पीछे पीछे। आज लग रहा था कि इमामत आगे आगे है और इक्तदा करने वाले पीछे पीछे। इमामत का एहसास हुआ लोगों को। इमाम इसी तरह होता है कि जो लोगों की हिदायत करता है, सिराते मुस्तकीम पर जो गामजन होता है, साबित कदम होता है, उसके कदम लड़खड़ाते नहीं है। जो इधर उधर होते हैं उनके कदम में थरथराहट पैदा होती है। मौलाए कायनात बहुत ही आराम इत्मीनान के साथ जब आगे चले जा रहे हैं, एक सहरा में पहुंचने के बाद मौलाए कायनात वहीं पर कायम करते हैं, रुकते हैं। जैसे ही मौलाए कायनात रुकते हैं सारा मजमा वहीं पर रुक जाता है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, सारा मजमा रुक गया, हर कोई मौलाए कायनात बीच में है, सब हर कोई ने, सब लोगों ने जो है दायरा बना लिया, गोल बनाकर मौलाए कायनात को देख रहे हैं। मौलाए कायनात कर क्या रहे? सारे मजमे ने, सारे मदीने ने एक बार की एक नजर में एक ही वक्त में देखा कि मौलाए कायनात ने अपने हाथों को जमीन पर रखा है और जमीन से सिर्फ यही पूछा है, जमीन क्यों इतनी उतावली हो गई है, ऐ जमीन तुझे क्या हो गया है, आखिर क्यों परेशान है। अहले तारीख ने लिखा अली का ये पूछना था कि जलजला रुक गया। अब तो कुछ लोग होते हैं ना तीस मार का, जब मसलन मुश्किल से आम मुश्किल जब दूर हो जाती है तब जो चुर्खियां निकलना शुरू होती है, जब मुश्किल से आजादी मिल गई अब देखा जलजला खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, यकीन हो गया कि अली ने दुआ कर लिया तो जलजला नहीं आने वाला। एक साहब आगे बढ़ते और पूछते कि अली इतनी इत्मीनान से आपने कहा, आखिर वजह क्या है? कहा कि क्या तुमने कुरान की सूरे को नहीं पढ़ा है जिसमें खुदा ने आलम फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वा अख़रजतिल अर्ज़ु अस्फ़ालहा वा क़ालल इंसानु मा लहा, कि जब कयामत एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जो जमीन को जोर जोर का झटका आएगा। कयामत की अलामतों में से भी यही है, खुदावंद आलम ने इस सूरे में कयामत की अलामत को बयान किया कि एक ऐसा दिन आएगा जब जोर जोर का झटका जमीन को आएगा। वअखरजतिल अर्ज़ु अस्कालहा, और जमीन के शिकम में, जमीन के सीने में जो कुछ भी होगा जमीन उसे बाहर निकाल कर उगल कर फेंक देगी, जो कुछ भी जमीन में होगा उसे वो उगल कर बाहर कर देगी, सब कुछ निकाल देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअखरजतिल अर्ज़ु अस्कालहा وقال الانسان ما لها, तो उस दिन एक इंसान कहेगा कि जमीन तुझको क्या हो गया। अब यहां पर थोड़ी देर में ताकि अपने मेरे छोटे भाई चीज को समझ सके। وقال الانسان ما لها, एक इंसान उस दिन खड़ा होकर पूछेगा जमीन से तुझे क्या हो। मैं एक सवाल करूं, आप पहले इन हजरात हैं बचपन से मंडी से सुनते चले आए, ये कयामत का मंजर खुदावंद आलम बयान कर रहा है कि जब सब मर चुके होंगे तभी तो कयामत आएगी, जब सब मर चुके होंगे, जब कोई जिंदा नहीं होगा, सबकी रूहें निकल चुकी होंगी, कयामत आ जाएगी, उसके बाद जलजले शदीद होंगे। जब कोई इंसान होगा ही नहीं तो ये कौन सा इंसान होगा कि जो जिंदा होगा, सवाल है कि नहीं, ये कौन सा इंसान होगा कि जिंदा, कौन सा इंसान है। कुरान की हिकमत को समझने की कोशिश करें, कुरान मजीद ने इंसान नहीं कहा है बल्कि अल इंसान कहा है। अगर इंसान कहता तो बहुत से लोगों को इंसान का तसव्वुर किया जा सकता था, लेकिन अल इंसान कह देने की वजह से ये अल इंसान मखसूस हो गया किसी एक इंसान के लिए, कोई एक खास इंसान है, सब इंसान मुराद नहीं है। मौलाए कायनात ने पूछा इस सूरे को पढ़ते हो ना, जानते हो ना ये सूरे में क्या, कहा हां सर, ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्फ़ालहा वक़ाल इंसानु मा लहा, उस दिन एक इंसान जमीन के सीने पर हाथ को रखकर पूछेगा तुझे क्या हो गया है। अली ने फौरन सवाल किया बताओ वो इंसान कौन है,
सामने वाले ने जब जवाब न दिया तो नबी ने पलट कर कहा कि मैं ही वो इंसान हूं जो कुरान की नजर में सीने जमीन पर हाथ रखकर पूछेगा तुझे क्या हो गया है। आज भी जमीन को मुझसे सुकून है, कयामत में भी मुझसे सुकून हासिल होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब कोई अपना मिल जाता है तो इंसान दर्द दिल को बयान करना शुरू कर देता है। देखा आपने मिसाल तौर सफर में आप हूँ, खुदा ना करे सामान चोरी हो जाए, खुदा ना करे कोई मुसीबत आ जाए, खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे आलम में जहाँ कोई ना हो और अगर कोई मिल जाए अपना तो इंसान क्या करता है उससे दर्द दिल बयान करना शुरू करता है। बकाल इंसान जब अली पूछेंगे इस जमीन से कि तुझे क्या हो गया, जो मैं जिन तो हत्ते कुरान की आयत है मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, तो उस दिन जमीन अपने सारे रास को सारी चीजों को अली से बयान करे, यानी सारे दर्द दिल को अली से बयान करे, अल्लाह सब कुछ बयान करे, एक एक मुसीबत को बयान करे, एक एक जुल्म को बयान करे, किस चाहने वाले पर किस सरजमीन पर जुल्म हुआ जमीन से बयान, कौन सी सरजमीन में किसको शहीद किया गया जमीन बयान करे, और यकीनन जो जमीन अपना दर्द दिल बयान कर रही होगी तो अपने उस गम को भी जरूर बयान करेगी कि जो करबला में सरजमीन पर वाके हुआ, जमीन ये जरूर कहेगी कि या अली एक ही दिन में 72 नाशिर 72 खून मेरी सरजमीन पर बहाए गए, जमीन उस दिन गवाही देगी बताएगी या अली मुझ पर कितने कितने जुल्म किए गए, जमीन बताएगी कि अय अली किस तरह से अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, जमीन बताएगी अय अली किस तरह से औल मोहम्मद को शहीद किया गया, जमीन बताएगी अय अली किस तरह से कासिम के बदन को पामाल किया गया। आज होने में कमी न करना, तुम्हें जहरा का वास्ता आजादार हो, क्योंकि आज हमें जिसका मातम करना है ना वो यतीम हसन है। आजादार हो, तमाम तारीखें कहती मुझे जनाब कासिम से उम्र की उम्र से कोई वो मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं करना है, लेकिन हाँ तमाम अहले तारीख तमाम अहले मक्तल ने ये लिखा है कि कासिम हद्दे बुलूग को नहीं पहुंचे थे, यानी 15 साल के नहीं थे, या 13 साल का सिन था या 14 साल का सिन था, इसी सिन के कासिम जिसमें बचपना कहा जाता है। हाँ आजादारो हुसैन कैसे कैसे जियालों को करबला में लेकर आए थे, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आजादारो रुककर मैं एक जुमला अदा करूं, देखो कभी घुट घुट के ना रोया करो, इमाम फरमाते हैं मेरे जद पर जब भी क्रिया करो ना तो ऐसे मातम करो, ऐसे क्रिया करो जैसे एक माँ अपने लाल का मातम करती है। अगर हुसैन की दिल में मार्फत आ जाए ना तो रोने में शर्म हया नहीं आती है। अरे आजादारो शुक्र मानो कि आज हमारे रोने पे पाबंदी नहीं है, अरे रोने पे पाबंदियां तो करबला वालों पर थी जो खुल के ना रो सके। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो कैसे बयान किया जाए, तारीख लिखती है अहले मक्तल लिखते हैं कि मौला ने शबे आशूर जब महज़रे शहादत के नूरानी औराक को खोला और नामों को पढ़ना शुरू किया, एक एक नाम पढ़ते जाते थे, उसे शहादत की खुशखबरी देते थे, वो खुश होता था। यहाँ हुसैन के जाबाज है आज़ादारो जो शहादत की खबर को सुनकर खुश हो रहे हैं, कितना इत्मीनान है, कितना यकीन है। आज़ादारो जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। जब सबके नाम हुसैन ने सुना दिए ना
तो एक मर्तबा जब हुसैन थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, हुसैन ने कहा अकबर तुम्हें भी शहीद होना है और मोहम्मद तुम्हें भी शहीद होना है, अब्बास तुम भी शहीद हो जाओगे, मुस्लिम तुम भी शहीद हो जाओगे, अब्दुल्ला तुम भी शहीद हो जाओगे, जब कोई ना बचेगा। आजादा थोड़ी देर के लिए हुसैन खामोश हुए। एक मर्तबा जैसे खामोश हुए, कासिम सामने ही पहलू में ही बगल में मौला के बैठे हुए हैं, देखा मेरा नाम अभी तक नहीं आया महजर शहादत में। आजादारो सुनोगे, एक मतलब जब देखा ना कासिम ने कि मेरा नाम नहीं आया, जब देखा आका मौला खामोश हो गए, एक मतलब कासिम ने खड़े होकर कहा चचा जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम नहीं है। अच्छा चचा मैं समझ गया, क्योंकि मैं यतीम शायद इसलिए मेरा नाम नहीं निकला। जजा जजा रबो को खैर जजा। हुसैन एक यतीम का दिल इस तरह से शायद इम्तिहान लेना चाह रहे हो, या इस तरह से यतीम के सामने बयान नहीं करना चाहते थे। एक बता हुसैन ने ये नहीं कहा कि कासिम तुम्हारा नाम भी है, बल्कि हुसैन ने एक अजीब सवाल किया, अरे कासिम मौत को पहचानते हो ना, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है, मौत को कैसा देखते हो। आजादार हो एक मतलब कासिम ने बढ़कर एक ऐसा जवाब दिया, न तारीख में पहले ऐसा जवाब मिला, न उसके बाद ऐसा जवाब मिला, आज तक कोई भी मौत का जायका न बता सका। कासिम ने बताया, ऐ चचा जान अहला में न आसार, मौत तो मेरे नजदीक अरे शहद से ज्यादा शीरीन है। हाँ हाँ जजा तुम लोगों को खैर जजा। आजादारो आजादारो हाँ आजादारो एक मरतबा जैसे ही हुसैन ने सुना ना, हुसैन की आंखों से आंसू रवा हुए। अब एक मरतबा हुसैन ने अपने लाल कासिम को सीने से लगा कर कहा, मेरे लाल कासिम कल तू भी शहीद होगा। हाँ जजा तुम लोगों को खैर जजा। एक मरतबा कासिम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आए आजादारो तसव्वुर किया आपने, हाँ कासिम तो खुश हो गए, लेकिन आजादारो हर शहीद को अपने नाम का इंतजार था ना, क्या जो खैमे में 6 महीने का बच्चा था उसे मौत का इंतजार ना होगा, वो अपना नाम सुनना ना चाहता होगा। आए आजादारो हाँ शायद अली असगर को शिकायत हो, और शिकायत हो आजादारो, इस शिकायत को दूर करने के लिए हुसैन ने फौरन ही कासिम से कहा, ए कासिम सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरा भैया असगर। रो रो आजादारो, आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हाँ यहाँ तक कि असगर भी शहीद हो जाएगा। एक मरतबा जब सुबह आशूर नमूदार हो गई, एक एक अंसार एक एक जाबाज सिपाही शहादत के जाम नोश करता रहा। हाँ यहाँ तक के सारे अंसार जब शहीद हो गए, अब कोई न बचा। आजादार हो जब कोई न बचा था, तो एक मरतबा अपनी हाशिम के जवानों की बारी थी, एक एक जवान हुसैन की खिदमत में आता है। आजादार हो अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम आए, कहा चचा मुझे मरने की इजाजत दो। बड़ी मुश्किल से हुसैन ने अब्दुल्ला को इजाजत दी, तारीख कहती है ये पहले शहीद थे बनी हाशिम के, जिनको शहादत मिली उनके फौरन बाद एक मरतबा कासिम अपनी चचा के खिदमत में आते हैं। ऐ चचा जान मुझे मौत की इजाजत दे दो, चचा जाने दीजिए। अज़ादार कभी देखा है आपने, बच्चे अगर किसी चीज की जिद करते हैं तो किस तरह से वो चीज की जिद करते हैं, किस तरह से मांगना शुरू करते हैं। हुसैन ने कहा नहीं कासिम तुम्हें नहीं जाना, तुम तो मेरे भैया के निशाने हो, तुम तो चश्मो चिराग हो, तुम्हें देखकर मुझे भैया की याद आती है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। एक मरतबा कासिम ने वहीं पर हाथों पर बोझा देना शुरू किया, चचा जाने दो, चचा जाने दो, चचा मुझे इजाजत दे दो, मैं दादी का जुमला पढ़ा।
हो। हाँ हजरत आर एक मरतबा जब देखा हुसैन ने फिर भी ना इजाजत दी ना, एक मरतबा वो कासिम चचा के पैरों पर गिरते हैं और पैरों का बोझ देना शुरू करते हैं, सर को पैर पे रख के कहते हैं चचा आप तो जाने दो, चचा आप तो इजाजत दे दो। शहजादा ने देखा है बच्चे किस तरह से जिद करते हैं, कासिम बार बार इजाजत मांगते हैं लेकिन कोई इजाजत नहीं मिल रही है। एक मर्तबा जब कासिम ने देखा इजाजत नहीं मिल रही है, जब वो जिस बच्चे को नहीं मिलती है ना तो मायूस होकर एक कोने में जाकर रोने लगता है। हर बच्चे की ये खसलत होती है, हर बच्चे में ये आदत होती है। आजादार कासिम ने भी वही किया, एक खाने के गोशे में जाकर बैठे, अपने दोनों पैरों पे सर देकर जार जार रोने लगे, क्रिया करने लगे, आंसू बहाने लगे। सोचता कि चचा ने इजाजत नहीं दी, इसी असना में कासिम को कुछ याद आया। एक मर्तबा जैसे ही याद आया बाबा की सूरत नजरों में फिरने लगी, एक मर्तबा कासिम ने जल्दी से अपने बाजू पर बंधे हुए ताबीज को खोला, बाबा ने कहा था बेटा कासिम जब मुसीबत में गिरफ्तार होना ना तो इस तावीज को खोल लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। फौरन तावीज को खोला, तहरीर को पढ़ा, चचा ने लब बाबा ने लिखा था बेटा कासिम जब करबला के मैदान में अपने चचा को नर गया था मैं गिरा हुआ देखना, तो मेरे भैया पर अपनी जान को फिदा कर देना छोटे छोटे कदमों से अपने चचा के खिदमत में आते हैं, चचा के हाथों में बाबा की तहरीर को दिया, हुसैन ने भैया की तहरीर को देखा। दो फिक्रे मसाइब की और है, ज़हमत तमाम है, ज़दारो दुआएं मांग लेना। एक मर्तबा कासिम को जैसे ही इजाजत मिली हुसैन खैमे में कासिम को लेकर आते हैं, ज़ैनब को आवाज दी बहन ज़ैनब जरा वो कपड़ों का संदूक लाना। आज़ादारो हुसैन ने संदूक मंगवाया, ज़ैनब वो संदूक लेकर आई जिसमें उसके लिबास रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे। एक मर्तबा हुसैन ने अपने हाथों से अपने भैया हसन की अबा को निकाला, भैया हसन के अमामे को निकाला, कासिम के सर दल किया, अमामा अपने भैया का कासिम के सर पे रखा। आज़ादारो अब जो भी यहाँ से जाबाज जाता था आज़ादारो हर एक के बदन पर जरा हुआ करती थी, लेकिन पूरे खैमे में कोई जरा ऐसी ना थी जो कासिम के बदन पर आती। हाय आज़ादारो जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हुसैन ने सफेद लिबास कासिम को ज़ेब्तन किया, बाप भैया के कबाब ज़ेब्तन की, भैया का मामा पहनाया और हमामे के दोनों सिरे को कासिम के सीने पर लाकर छोड़ दिया। इसका मतलब समझे आज़ादारो, अरब में इसका मतलब ये होता था ये जो नक्शा है ना यतीम है, यतीम की निशानी हुआ करती थी और अरब जो हुआ करते थे जंगों में यतीम पर हमला नहीं किया करते थे। सफेद लिबास हमेशा हमेशा जंग की अलामत नहीं बल्कि सुलह की अलामत हुआ करता था। ऐ आज़ादारो न जाने कैसे हुसैन ने कासिम को अपनी आगोश में उठाया, घोड़े पर सवार किया। आज़ादारो एक मर्तबा अब्बास और हुसैन ने एक साथ मिलकर कासिम को कहा खुदा पे। आज़ादारो कासिम चले नरगए आदा की तरह। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है उसका जुमला है तारीख में जुमला सिर्फ सिवाय कासिम के किसी और के लिए नहीं लिखा है, ऐसा लगता था कि चौदहवीं का चांद
डालो। मैंने तो रवायत में आदत देखा है, हुसैन कासिम को विदा करते वक्त जितना रोए थे, किसी शहीद को अलविदा करने में इतना क्रिया नहीं किया, इतना रोए इतना क्रिया किया। चचा भतीजे दोनों पे होश हो गए। आजादारों जजा पूरा को खैर जजा आजादारों, जिसी तरह कासिम जंग की तरफ बढ़े। लो आजादारों कासिम चल रहे हैं, हाँ इधर हमले पे हमला करना चाहते हैं। एक मरतबा रजिस खानी की है, कासिम ने कहा हलमी मुजा मुबारिद हलमी मुबारिद, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे। एक मरतबा कासिम ने बहुत ही अजीब जुमला कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कासिम इब्ने अली हसन हो, हसन का लाडला हो, हुसैन का भाप भतीजा हो, अली का पोता हो, मुझे नहीं पहचाना। हाँ आजादारो कासिम अपने को पहचानवा रहे हैं, अपनी शनाख्त करवा रहे हैं। हाँ आजादारो एक मरतबा उमर साद पूछता है, ये कौन बच्चा है जो इतना फसीह और बलीग अंदाज में खुतबा दे रहा है। लश्कर वालों ने कहा हम नहीं पहचानते, हमने इस बच्चे को इससे पहले नहीं देखा है। एक मरतबा खुद मिसरे साद कहता है नहीं पहचाना, ये अली का पोता है, ये हसन का बेटा है, ये शुजा है, ये बहादुर का बेटा है, बहादुर का बेटा बहादुर हुआ करता है, शेर का बच्चा शेर होता है। देखो अकेले अकेले हमला ना करना, सब मारे जाओगे। देखो मिलके हमला करना, इससे होशियार रहना, ये ना सोचना तीन दिन का भूखा है, ये ना सोचना तीन दिन का प्यासा है। अब रवायत कहती है आजादारो जनाब कासिम ने मुबारिस तलब किया, कोई मुकाबले में आने को तैयार नहीं है। एक शाम का पहलवान निकला जिसके बारे में मशहूर था कि ये 1000 के मुकाबले के लिए काफी होता है। जनाब कासिम के सामने आता है, जनाब कासिम ने एक ही बार में उसे फिनार कर दिया। जैसे उसके चारों बेटों ने देखा कि मेरा बाप जहन्नम रसीद हुआ है, वो चारों आकर हमला करते हैं। कासिम ने चारों को एक-एक करके फिनार किया। उसके बाद फिर जनाब कासिम ने कहा कोई है जो मेरा मुबारिद हो, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। एक मरतबा जब किसी की आवाज ना निकली तो अरब का सबसे मशहूर बहादुर जिसे अरसा के शामी कहा जाता है, उसके मुकाबले में कोई नहीं आता था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, उसका कहना था कि उसका मुकाबिल कोई पैदा ही नहीं हुआ है। एक मरतबा ललकारता हुआ वो कासिम की तरफ आता है, मुझसे मुकाबला करेगा, तेरी क्या बेजात है, तू तो बच्चा मेरे सामने है। इधर से कासिम ने ललकारा, जैसे ही आजादारो इधर अब्बास भी खड़े देख रहे थे, इधर हुसैन भी खड़े देख रहे थे। पहली मरतबा हुसैन की आंखों में आंसू आए, मेरे खुदा, अरे मेरा कासिम बड़ा बच्चोटा है, इसका सिर बहुत कम है, अरे मेरे अल्लाह मुकाबले में एक बहादुर है नामी पहलवान। ऐ मेरा अल्लाह खैर हो। ऐ आजादारो इधर रवायत कहती है अर्जा के शामी बढ़ा, अभी हमला करना ही चाहता था, सर पर उसने वार करना चाहा, कासिम ने उसके वार को रोका और दूसरा ही वार ऐसा किया है कि वो तहे तेल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। अब किसी ने जुर्रत नहीं है कि कासिम के नजदीक आए, कासिम का मुकाबला कर सके। बस आजादारो यही मौका था, साद ने फौजों को ललकारना शुरू किया। आजादारो एक मरतबा चारों तरफ से फौजों ने मिलकर, अरे हसन के यतीम पर तीन दिन के प्यासे पर तीन दिन के मौके पर हमला किया। जज़ाकुम जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो हमला इतना शदीद था लेकिन कासिम ने 400 से ज्यादा अरे लोगों को फिनार किया, जहन्नम रसीद किया। हाँ आज़ादारो इसी असना में रवायत कहती है कि जनाबे कासिम के तस्मा खुलता है। एक मरतबा कासिम तस्मे को बांधने के लिए जरा झुकते हैं। आज़ादारो कासिम का झुकना क्या था, इधर से जालिम ने मौका देखा, नैज़े से वार किया। अब जालिम ने जैसे वार किया, कासिम एक पैर जमीन पर है, एक पैर जमीन पर
बेहतर है। ऐ आजादार हो, जैसे ही जमीन पर आने लगे नकासे, एक आवाज बुलंद की, अदरिकनी या अम्मा अदरिकनी, चचा दौड़ो मेरी मदद को, आइए चचा, चचा मेरी मदद को। आज रवायत मिलता है कासिम की आवाज को सुनकर जितनी जल्दी हुसैन दौड़े है, इतनी जल्दी किसी शहीद की आवाज पर नहीं दौड़े। उधर से फौज ने देखा कि हुसैन तलवार लिए हुए आ रहे हैं, फौजों ने ये समझा शायद हुसैन हमला करे। ऐ आजादार, अब जो इधर पहुंचे थी उधर भागना शुरू हुई, उधर की फौज इधर भागना शुरू हुई। ऐ आजादार, बीच में कहां से इधर की फौज उधर, उधर की फौज इधर, बीच में कहां से जैसे जैसे घोड़े की टाट पड़ती थी, कासिम की बस एक आवाज निकलती थी, अरे चचा, अरे चचा, अरे चचा। हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे बेटा, हाँ मेरे कासिम, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे बेटा। अरे ज़्यादा रो, अब तारीख लिखती है कि अब ये आवाजें आना बंद हो गई, हुसैन का तो गुबार छप रहा है, गर्दो गुबार बहुत ज्यादा है। ऐ आज़ादारो, हुसैन है, कासिम को तलाश कर रहे हैं। ऐ कासिम कहाँ हो, ऐ कासिम कहाँ हो, हुसैन तलाश करते करते, ऐ आज़ादारो, कासिम के पामाले सुबह अस्पताल जब पहुंचे है ना, तो कासिम की रूह निकल चुकी थी। ऐ आज़ादारो, वही कासिम है जब हुसैन ने घोड़े पर सवार किया था, तो अपने खुद गोदी में उठाकर सवारी पर बिठाया था। अब ये वही कासिम है जब खैमे में लेकर जा रहे हैं, कासिम का सीना हुसैन के सीने से मिला है, कासिम का पैर जमीन पर खत देता जा रहा है, हुसैन आवाज दे रहे हैं, वाह कासिम, वाह दिया, वाह गुरबता। हाँ जजाब मसाय तो तमाम हो गया, ज़्यादा जो मैं कहूंगा मौला मौला, कई उम्र परवाना देख ले, बड़ा अरमान था बेटी की शादी का, ऐ माँ ऐ मौला, कहीं परवा की नजर ना पड़ जाए, जरा आहिस्ता, नहीं पता ज़्यादा। जब हुसैन कासिम को लाशे को लेकर खैमे में पहुंचे होंगे, उम्मे परवा पे क्या गुजरी होगी, शायद उम्मे परवा ने कहा हो, अरे कासिम, अरे तेरी बारात का इंतजार था, ये तेरी दूल्हा, ये सहरा, खून में लथपथ, हर तरफ जख्मों का निशान, कहीं तीर है, कहीं नैजे के निशान, कहीं तलवार के निशान। ऐ कासिम मां की आरज़ू पूरी, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे ज़म्ब क़ज़ाई وتسليما لامر جاء الله يا الله ابن الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد يا اعلى بحق علي يا فاطم بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين لا تشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بار الله ہمارے اس قدیم سی عبادت کو قبول فرما، خدا یا ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عزقیں ادا فرما، امیر اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، امیر اللہ تمام مسلمان عالم کی جان مال عزت و آبروں کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما، خدا یا ہمارے تمام تر مدعوں
زمین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما خدا یا عالم اسلام جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما اگن اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نور فرما خدا یا جو میں اولاد ہیں اس پر شہزا کے دست بنے اولاد ننی نری ناتا فرما اگن اللہ تیری بارگاہ میں آخری دعا میں اپنی حجت خاص یوسف زہرا فرزند زہرا امام اسرار با ملو الفدا کے زبور پر نور میں تاجین فرما اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ ازا سے گزارش ہے مومنوں نے خصوصی طور پر ایک ساتھ میں دعا کے لیے سفارش کیا ہے اور شفا یابی کے لیے صحت یابی کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل جل کر پانچ مرتبہ ہم نے تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ